हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीआर फैशन। और इस वीडियो में मैं आपको इस सिंपल प्लेन कपड़े पे इस जरी थ्रेड से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। और डिज़ाइन मैं नॉर्मल मशीन से बनाऊंगी। तो डिज़ाइन बनाने के लिए कुर्ती को मैंने पहले से कट करके रखा है और फिर मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली है। डबल में फोल्ड करके इस पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई 6 इंच है और इसकी लंबाई 14.5 इंच है। उसके बाद पेस्टिंग पेपर की खुली वाली साइड से 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। छह इंच पर निशान लगाने के बाद हम इस पॉइंट को इस किनारे से मिलाते हुए स्केल से एक तिरछी लाइन बनाएंगे। यहां लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट कर लेते हैं। तो पेस्टिंग पेपर को मैंने कट कर लिया है। तो अब इस पेस्टिंग पेपर को कुर्ती की उल्टी साइड पे आयरन से चिपकाएंगे। मैं इसे कुर्ती पे चिपकाने के बाद आपको दिखाती हूँ। पेस्टिंग पेपर को मैंने कुर्ती की उल्टी साइड पे आयरन से चिपका लिया है। उसके बाद हम इस पे निशान लगाएंगे। तो ये बुकरम की सेंटर लाइन है। तो बुकरम की सेंटर लाइन से हम आधे आधे इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। इस तरह से मैंने सेंटर से आधे आधे इंच की दूरी पे निशान लगा लिया है और इस तरफ भी मैं ऐसे ही निशान लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आधे आधे इंच की दूरी पे निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद मैं यहाँ सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आधे आधे इंच की दूरी पे निशान लगाए हैं, वैसे ही हमें आधे आधे इंच की दूरी पे स्ट्रेट लाइनें बनानी है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आधे आधे इंच की दूरी पे सीधी लाइनें बनाई हैं, वैसे ही मैं बाकी की लाइनें बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने पूरे बुकरम पे लाइंस बना ली है। सबसे पहले मैंने सेंटर पे सीधी लाइन बनाई है और उसके बाद आधे आधे इंच की दूरी पे मैंने सीधी लाइंस बनाई है। तो इस तरह से मैंने ये पैटर्न बना लिया है। पैटर्न बनाने के बाद मैं ये जरी थ्रेड ले रही हूँ। ये जरी थ्रेड एक तार की थ्रेड है। और थ्रेड मुझे इस तरह डबल में चाहिए। तो डबल थ्रेड बनाने के लिए मैंने जरी थ्रेड को दो बॉबिन में भर दिया है और उसके बाद मैंने एक खाली बॉबिन लिया है और फिर दोनों बॉबिन के धागों को एक साथ पकड़ना है, फिर इन धागों को खाली बॉबिन में भरना है।
तो दोनों बॉबिन के धागों को एक साथ करके मैंने बॉबिन में भर लिया है। तो अब ये थ्रेड डबल थ्रेड बन गई है। तो इस थ्रेड को हम बॉबिन केस से यूज़ करेंगे। तो थ्रेड को यूज़ करने से पहले ये जो बॉबिन केस है उसमें छोटा सा स्क्रू दिया हुआ है, हमें इस स्क्रू को लूज करना है ताकि जरी थ्रेड बॉबिन केस से आसानी से निकल सके। बॉबिन केस की स्क्रू को लूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बॉबिन केस की स्क्रू को लूज नहीं करते तो थ्रेड बार बार टूटेगी और आपको डिजाइन बनाने में प्रॉब्लम आएगी। फ्रेंड्स, मशीन में बॉबिन केस से मैं जरी थ्रेड यूज करूंगी और मशीन में ऊपर की तरफ से मैं सिंपल गोल्डन थ्रेड यूज करूंगी। तो अब ये जो पैटर्न हमने कुर्ती पे बनाया है मैं उसे मशीन में बनाकर दिखाती हूँ। मशीन में नीचे बॉबिन केस में जरी थ्रेड लगी हुई है और ऊपर की तरफ सिंपल थ्रेड लगी हुई है। फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल मशीन है और इसमें 16 नंबर की सुई लगी हुई है। जैसे हमने सीधी सीधी लाइंस बनाई हैं, हमें बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर सिलाई लगानी है। और फिर सुई को आखिरी में रोकना है और फिर जिस लाइन पर हमने सिलाई लगाई है हमें उसी लाइन के ऊपर वापस सिलाई लगानी है। जैसे हमने सीधी सीधी लाइंस बनाई हैं, हमें बिल्कुल उसी लाइंस के ऊपर सिलाई लगानी है और फिर सुई को आखिरी में रोकना है और फिर जिस लाइन पर हमने सिलाई लगाई है हमें उसी लाइन के ऊपर वापस सिलाई लगानी है। मैंने सभी लाइंस के ऊपर सिलाई चला ली है। तो अब मैं इसे सीधी तरफ से पलटाकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, सीधी तरफ से ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न बन के आया है। फ्रेंड्स, उसके बाद आप इस पे अपनी पसंद का नेक ड्रॉ कर लीजिए। मैं इस पर नेक ड्रॉ करने के बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस पे नेक ड्रॉ कर लिया है। यहाँ नेक की चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है और नेक की लंबाई 5.5 इंच रखी है। मैंने यहाँ नेक अपनी पसंद के हिसाब से रखा है। फ्रेंड्स, आप अपने पसंद के हिसाब से नेक की लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। यहाँ नेक बनाने के बाद मैंने कुछ गोल्डन मोती लिए हैं। तो इस गोल्डन मोती को यहाँ इन लाइंस के ऊपर स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, मोती को हम नीचे की तरफ से स्टिच करेंगे।
इस मोती को सिलने के बाद मैं 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगा रही हूँ। तो अब दूसरी मोती को मैं 1.5 इंच की दूरी पे स्टिच करूंगी। फ्रेंड्स, जैसे मैंने इन मोतियों को स्टिच किया है वैसे ही मैं 1.5 इंच की दूरी पे बाकी मोती भी स्टिच करूंगी। फ्रेंड्स, मैं सभी लाइंस के ऊपर मोती स्टिच करने के बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सभी लाइंस के ऊपर मोती स्टिच कर लिया है और ये वाला जो हिस्सा है उस पे मैंने मोती नहीं लगाया है क्योंकि ये हिस्सा नेक में चला जाएगा। फ्रेंड्स, तो अब मैं इस पे नेक बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कुर्ती पे नेक बना लिया है, तो नेक बनाने के बाद ये डिजाइन अब कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, ये नेक डिजाइन बहुत सुंदर लग रही है, आप भी इस नेक डिजाइन को आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी नेक डिजाइन के वीडियोस देखने हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।